अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। इसमें भी आप देखिएगा कि बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं यदि आप क्वेश्चन को समझ लिए। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री के पास दो मशीन है, मशीन नंबर ए और मशीन नंबर बी। चलिए इसको बोल देते हैं मशीन ए, इसको बोल देते हैं मशीन बी, ठीक है, बढ़िया है। बोल रहा है कि पास्ट रिकॉर्ड्स सो दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। मतलब टोटल 100% आइटम होता है, तो मशीन ए कह रहा है कि 60% आइटम को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और मशीन जो है वो 40% आइटम्स को बनाता है। दो मशीन के द्वारा बनाया जा रहा है कोई आइटम, है ना। तो कह रहा है कि पास्ट रिकॉर्ड सो दैट, पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि मशीन ए एंड मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। फर्दर आगे क्या किया, बोला रहा है कि 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी वी आर डिफेक्टिव। मतलब आपने सामान बनाया तो ये बोला कि 2% जो है मशीन ए से जो आइटम प्रोड्यूस हुआ है उसमें 2% खराब निकल जा रहा है, डिफेक्टिव निकल जा रहा है, और 1% मशीन बी से जो आइटम प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको बता दिया गया कि मशीन बी से जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे 1% खराब हो जा रहा है, माने डिफेक्टिव हो जा रहा है। ऑल द आइटम आर पुट इन टू वन स्टॉक पाइल। एक स्टॉक पाइल है, मतलब कंटेनर कह सकते हो, कोई चीज़ रखने वाला, स्टॉक करने वाला, वो स्टॉक पाइल में हम सारे सामान को पुट कर देते हैं, मिला देते हैं मतलब। एंड देन वन आइटम इज चोजन एट रेंडम। मिलाने के बाद एक आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं फ्रॉम दिस, इसमें से, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और पाया गया ये डिफेक्टिव है, मतलब ये हो चुका है, डिफेक्टिव आ चुका है, है ना, डिफेक्टिव आ चुका है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ये आइटम जो डिफेक्टिव आया है वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना। तो देखो कहानी क्या है, सबसे पहले जो निकालना है उसी को लिखते हैं। हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी से निकले यदि डिफेक्टिव आ चुका है, यदि डिफेक्टिव आ चुका है, मतलब आप सिंपल सी बात है, आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी से डिफेक्टिव आए यदि डिफेक्टिव आ चुका है, इस बात को निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। जहाँ याद रखना बी का मतलब मशीन बी से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है, और डी जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अब सुनो ध्यान से, मशीन सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो जो डिफेक्टिव है होने की प्रोबेबिलिटी, जब हमको निकालना होगा कि वो डिफेक्टिव हो, वो आइटम डिफेक्टिव हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप सामान तो सेलेक्ट करोगे ना, उस स्टॉक पाइल में जो आप मिला दिए हो मशीन ए के द्वारा आइटम मशीन बी के द्वारा, उसमें से जब सेलेक्ट करोगे तो आइटम दो तरह से सेलेक्ट हो सकता है, मशीन ए के द्वारा बना हुआ भी वो सेलेक्ट हो सकता है, और मशीन ए से भी डिफेक्टिव आ सकता है, और मशीन बी के द्वारा भी आ सकता है। तो सबसे पहले आइटम सेलेक्ट होगा, है ना, यानी कि आप ए के द्वारा, मशीन ए के द्वारा वो सेलेक्ट हो और फिर डिफेक्टिव आए, या मशीन बी के द्वारा सेलेक्ट हो फिर डिफेक्टिव आए। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि जो आइटम सेलेक्ट हो वो आइटम ए के द्वारा सेलेक्ट हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोडक्शन जो है, ये हम माने हुए हैं क्या, ए के द्वारा, मशीन ए के द्वारा आया हुआ ऑब्जेक्ट, तो मशीन ए के द्वारा आने की प्रोबेबिलिटी हो गया पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हो यदि वो मशीन ए से आया हो, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी से प्रोडक्शन हमारा सेलेक्ट हो उस स्टॉक पाइल में से, बी वाला आइटम सेलेक्ट हो, है ना, मशीन बी के द्वारा जो आइटम है वो सेलेक्ट हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आए यदि मशीन बी से सेलेक्ट हुआ हो। हो गया ये, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमको निकालना है, तो मशीन ए से प्रोडक्शन हो, मतलब मशीन ए के द्वारा वो आइटम जो अब हम स्टॉक पाइल में से निकाल रहे हैं, तो वो मशीन ए के द्वारा प्रोडक्शन हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 60%, क्योंकि 60% आउटपुट दे रहा है वो मशीन ए स्टॉक का, तो ये 60/100 हो गया। इनटू ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आए यदि वो मशीन ए से बना हो, तो आगे लिखा हुआ है कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी वी आर डिफेक्टिव था, तो 2% यानी कि 2/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो आइटम मशीन बी से बना हो, तो 40% प्रोडक्शन है मशीन बी से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100 इंटू डिफेक्टिव आए यदि मशीन बी से सेलेक्ट हुआ हो, तो आइटम अगर मशीन बी वाला सेलेक्ट हुआ हो तो उसका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमको 1% दिया हुआ है, तो ये हो गया 1/100, है ना, बढ़िया है, हो गया। तो अब जो है फार्मूला तो आपको निकालने आता ही है, पहले तो आप देख ही लो कितना होगा इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी, तो इसका फार्मूला आप ये लिखे हो, इसके बाद हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से या बेस थ्योरम के फार्मूला से भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माने प्रोडक्शन मशीन बी से हुआ हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आए यदि मशीन बी सेलेक्ट हुआ हो, और नीचे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो आप देख ही रहे हो कि ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 3-2 है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए प्लस बी, और मशीन बी से वो आउटपुट आए, तो यहाँ पे अब हो जाएगा फार्मूला बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो बी पार्ट तो ये वाला है 40/10,000, तो ये ऊपर हो जाएगा आंसर आपका 40/10 से तो काट ही सकते हो, ये भी 0/10 से ये भी काट सकते हो ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 4/1,000, और नीचे हो जाएगा आपका 6/6×12 लिख सकते हो 12/1,000, और प्लस 4×4/1,000, तो अब नीचे का एलसीएम तो आप जानते ही हो कि 1,000 ही आएगा, तो 4/1,000, और नीचे का एलसीएम आपका 1,000 ही है, वो ऊपर आ जाएगा, है ना, 1,000, और नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम, तो 1,000 ही है दोनों तरफ, तो आप सिंपल जोड़ दो 12 और 4 16, तो ये 1,000 से 1,000 कट गया, और 4×4 4×4 16, यानी इस बात की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई आपका 1/4, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर रहा 1/4, ठीक है ना, चलिए प्रिंट कर लीजिए।